हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है साइकोमेट्रिक चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज देखिए, आप अभी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है और उसका स्केच, ठीक है। ये 10 और 11 वाला जो क्वेश्चन है उसमें सारी प्रॉपर्टीज आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हम उसमें बताते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस की थी साइकोमेट्री, जब समझाया था, जैसे कि वेट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मैंने समझाया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फिर वेट बल्ब, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो, ये सारे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। आज के इस वीडियो में साइकोमेट्रिक चार्ट किस तरह से ड्रॉ करते हैं और उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें बतानी होती है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक देखिए तो सब कुछ आप सीख जाओगे। देखो, तो सबसे पहले देखो इस तरह से साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये इस तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन है, देखो ये साइकोमेट्रिक चार्ट का कुछ इस तरह से है, समझ रहे हो। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है तो ये है हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हम क्या करते हैं, एयर की सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन की होती है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक साइकोमेट्रिक चार्ट मैंने यहाँ पे किस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ दिखाई होती है साइकोमेट्रिक चार्ट में। तो कोई भी दो प्रॉपर्टी अगर हमें पता होती है तो हम बाकी की सारी प्रॉपर्टीज एयर की यहाँ से पता कर सकते हैं, जो कैलकुलेशंस में आपको क्या होता है बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। तो साइकोमेट्रिक चार्ट जो है बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर जानने के लिए। दो प्रॉपर्टी आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, बाकी की सारी प्रॉपर्टीज आप पता कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे होती है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे साइकोमेट्रिक चार्ट में ये जो एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है, यस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि -10, -5 इस तरह से 0, फिर 5, 10, 15। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, है ना, TDB, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बताया जाता है, और उसके जो उसकी लाइन जो होती है आपको दिखेगी, वर्टिकल लाइंस दिखेगी। ये जो वर्टिकल लाइंस है ये किसकी लाइन है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस होती है, ठीक है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है ना। ओके, दिस इज DB एंड T, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और उसके बाद चलिए सेकंड जो वाई एक्सिस की बात करेंगे हम, तो वाई एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे बताया जाता है, वाई एक्सिस पे बताया जाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या बताया जाता है, देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो बोलो, वाटर कंटेंट बोलो, ठीक है, W यानी कि W बताया जाता है Y एक्सिस पे। तो उसकी जो लाइंस है आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगी, है ना, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिखेगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे बनाओगे वो सारी लाइंस कैसी होगी, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन होगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लाइंस, ओके, और उसका जो यूनिट रहता है वो रहता है kg per kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। एक्चुअल साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको दिखेगा, यहाँ देखो ये ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है, मेरे ख्याल से जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है ना, तो वो जो लाइन है, ये सारी लाइन आपको दिख रही है ना वर्टिकल वाली, ये सारी जो लाइन है ये कौन सी है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, ठीक है। और ये यहाँ पे शायद ही आपको दिख रहा हो, ये आपको देख सकते हो जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई हुई है, थोड़ा देखने में मुश्किल है ब्लू कलर की लाइन, ठीक है। तो वो जो है, वो सारी लाइंस जो है वो हमारी यहाँ है W की लाइन, ओके, ह्यूमिडिटी रेशियो इन kg per kg ऑफ ड्राई एयर ऐसा लिखा हुआ है, शायद ही आप देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको ये एक्चुअल वाला है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 0.000, यहाँ पे लिखा है 0.005, यहाँ पे लिखा है 0.010, यहाँ पे लिखा है 0.015, 0.020, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 0.030, समझ रहे हो। सो ये सारी आपको दो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी
हमने ड्राइवर टेम्परेचर बताई और दूसरी है, दूसरी हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो बताई W, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हो, वेट बल्ब टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊँ, कोई और कलर लेके आपको बताना पड़ेगा तो आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा, ठीक है, चलो यही सही है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर देखिए, यहाँ इंटरेक्शन से ऐसे 30 डिग्री पे इस तरह से लाइन जाएगी, ठीक है, 30 डिग्री पे यहाँ पे ये इस तरह से, ओके, 30 डिग्री पे इस तरह से जो इंक्लाइन लाइन जाती है दैट इज है वेट बल्ब टेम्परेचर, दैट इज अवर वेट बल्ब टेम्परेचर। चलो अगर आपको इसमें नहीं समझ आता तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वेट बल्ब टेम्परेचर देखिए यहाँ पे दिस इज ये मैं बता रहा हूँ वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन बता रहा हूँ, ठीक है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर इस तरह से 30 डिग्री वाली जो इंक्लाइन लाइन है दैट इज अवर वेट बल्ब टेम्परेचर, ओके। तो इसका जो और इसकी जो स्केल है, ये स्केल यहाँ पे लिखा होगा, है ना, जैसे कि दिस इज -0, 5, 10, 15 इस तरह से वेट बल्ब टेम्परेचर की यहाँ पे स्केल है। तो स्केल कहाँ पे, सेचुरेशन कर्व पे। अच्छा एक चीज़ बताना मैं भूल गया यहाँ पे कि ये जो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो कर्व है, सॉरी पॉइंट नहीं कर्व है, दैट इज अवर सेचुरेशन लाइन, ये सेचुरेशन कर्व बोला जाता है, सेचुरेशन लाइन या तो सेचुरेशन कर्व, ठीक है। तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर की स्केल है वो कहाँ पे होगी, सेचुरेशन कर्व के ऊपर होगी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है एंथैल्पी। अभी एंथैल्पी की जो लाइन है तो बस एंथैल्पी की लाइन यही लाइन है, ये यानी वेट बल्ब टेम्परेचर की भी लाइन है और यही एंथैल्पी की लाइन है, बट खाली बस उस फर्क क्या है, स्केल का फर्क है। जैसे कि देखो वेट बल्ब टेम्परेचर की स्केल कौन सी है, ये वाली सेचुरेशन वाली जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर की स्केल है, ठीक है। बट जो एंथैल्पी की जो स्केल रहेगी वो थोड़ा पीछे की तरफ उसको दिखाते हैं, देखो किस तरह से, यहाँ पे मैं आपको एक स्केल बताता हूँ, यहाँ पे एंथैल्पी की स्केल समथिंग यहाँ पे दिखाते हैं इस तरह से, है ना, ये एंथैल्पी की स्केल इस तरह से दिखाई जाती है, ठीक है। अभी मतलब कैसे कैसे मेज़र करना है, तो आपको अगर यहाँ कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आप इस वाले पॉइंट पे है या तो कोई इस वाले पॉइंट पे है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको वेट बल्ब टेम्परेचर तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करोगे यहाँ तक, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एंथैल्पी मिल जाएगी, है ना। तो ये जो ये वाला स्केल है, खाली स्केल में फ़र्क रहता है, दिस इज एंथैल्पी, ओके, एंड ये जो वाला मैंने लिखा है ये दिस इज अवर वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखा दी, सबसे पहले मैंने ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको दिखा दिया, ओके, ये आप देख सकते हो ड्राई बल्ब टेम्परेचर येलो वाला लाइन, फिर मैंने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिखा दी, और ये जो इंक्लाइन लाइन है 30 डिग्री पे वो है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर, है ना, और एक चीज़ मैंने बताई एंथैल्पी। वेट बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन है वही लाइन को आप एक्सटेंड करिए तो आपको मिल जाएगा एंथैल्पी मिल जाएगी, ठीक है, ये एक्सटेंड करना है यहाँ तक, देखिए जो भी यहाँ पे स्केल पे लिखा होगा वो आपका एंथैल्पी होगा, है ना। चलो एक्चुअल वाले में देखते हैं कि एक्चुअल वाले में कहाँ दिखाया है, किस तरह से दिखाया है, चलो आपको हार्डली यहाँ पे दिखे क्योंकि थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा है, तो आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, दिस ब्लू लाइन, ये हॉरिजॉन्टल सॉरी इंक्लाइन जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, वो लाइन है वेट बल्ब टेम्परेचर वाली, ठीक है, दिस इज वेट बल्ब टेम्परेचर। और उसके बाजू में एक ब्लैक कलर की लाइन जा रही होगी, जैसे कि यहाँ पे 40 लिखा हुआ है और ये ब्लैक कलर की लाइन जा रही है, यानी सेम लाइन जा रही है, बट खाली स्केल डिफरेंट है, देखो ये वाला है ना, यानी सेम लाइन जा रही है। तो ये बाजू में ये जो लाइन जा रही है, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ ना, ये इस तरह से ये जा रही है इसके बाजू में, ये समझ रहे हो आप, ये नीचे जो बताया है दैट इज यहाँ पे 20 लिखा हुआ है वो वेट बल्ब टेम्परेचर है, और जो मैं आपको ब्लू कलर से बता रहा हूँ वो है हमारा एंथैल्पी, यानी सेम लाइन होती है।
ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस तरह से बताया जाता है साइकोमेट्री चार्ट में वो समझ लेते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है ना वो परसेंटेज में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो W जहाँ पे W इज इक्वल टू यहाँ W इज इक्वल टू जीरो होता है, ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल है, यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारी जो मैं इसको फाइव बोलूँगा, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज फाइव, वो है 0%, सॉरी नॉट 100%, सॉरी 0% होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ये ग्राफ जो है ये यहाँ से कर्व ऊपर की तरफ हो जाता है इस तरह से, है ना, ये परसेंटेज बढ़ते जाता है। लाइक दिस इज 10%, दिस इज 20%, और ये देखिए धीरे 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 ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, दिस इज 30%। और इस तरह से अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूँ यहाँ पे ये 70% ले लेते हैं, है ना, सारी नहीं बना रहा मैं, सारी नहीं बना रहा, इस तरह से जो जाती है इसको मैं ले लेता हूँ 50%, और लास्ट में ये जो सेचुरेशन कर्व के ऊपर होता है, सेचुरेशन कर्व के ऊपर दैट इज़ अवर 100%। ओके, सो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जो क्या बताया मैंने आपको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया, ऊपर बताया वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का स्केल यहाँ पे होता है वाई पे। ठीक है, चलो रिलेटिव ह्यूमिडिटी खत्म हो गई, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मैं इसमें आपको कहूँ, मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे शायद लाल कलर आपको दिख रहा हो, आई डोंट नो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फेंट लग रहा होगा आपको, बट यहाँ पे आपको रेड कलर का जो लाइन दिखाई दे रहा है मैं थोड़ा उसको हाईलाइट करना चाहूँगा, रेड कलर के लाइन को देखो, ये रेड कलर का लाइन जा रहा है, आप देखो यहाँ पे ये लाल लाइन है, और ये 10% का लाइन देखो, ये 10% का लाइन, ये 20% का लाइन, दिस इज 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90 एंड 100%, सो दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन। ओके, चलो इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, अभी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में थोड़ा आपको ऊपर ही दिखाना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि ये जो है ना, ये आपको ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है दैट इज अवर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ना, और वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है जो होती है हमारे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन। यानी बस खाली यहाँ पे जो इसका स्केल होता है ये होता है, देखो जैसे कि 5, 10, यहाँ पे एक लाइन जाएगी दैट इज 15। ओके, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो 10, 15, ये वाली ये हॉरिजॉन्टल ही लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है, बस खाली स्केल जो होती है ना इसकी सेचुरेशन पे होती है। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे तो भी अलग से है ना, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये -5 का लाइन मैंने यहाँ बनाया था, ये लाइन -5 का यहाँ जुड़ेगा, ये -5 किसका था, ड्राइवर टेम्परेचर का, यहाँ पे सेचुरेशन पे ये -5 उसका स्केल होगा बट हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है दैट इज़ अवर, ये कौन सी लाइन है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, फिर ये जीरो वाला, तो दिस इज जीरो, तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन जा रही है। ओके, दिस इज प्लस में 5 डिग्री, तो 5। ओके, इस तरह से ये वाला नहीं है ना, ये वाला बस मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, वो स्केल का रेफरेंस ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन सर आपने बताया डब्ल्यू है, तो भाई ये वाले स्केल देखोगे तो वो डब्ल्यू है, बट यहाँ पे स्केल अगर आप यहाँ पे देखोगे सेचुरेशन वाले पे, तो वो हो जाएगा आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। पर सर आपने ये भी बताया कि ये वाला स्केल तो किसका होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर का भी होता है, वही स्केल होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर का स्केल भी आपने यहीं पे बताया, तो भाई आप ऐसा होता है ना, सेचुरेशन कर्व के ऊपर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। ठीक है, सेचुरेशन पे तो फिर स्केल तो दोनों का सेम ही होगा ना, बस खाली लाइन अलग अलग है। वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन कैसी है, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन अपनी जा रही है समथिंग कुछ 30 डिग्री पे ऐसे, ये देखिए जैसे कि 25 वाला लाइन है तो ऐसा जाएगा, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, और ये जो 25 ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई दे रही है वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ से नीचे की तरफ आप देखोगे तो
तो ये 25 अगर लिखा है तो वो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन है, ठीक है। तो चलो एक साथ में लास्ट में आपको सब समझा दूंगा, है ना, कि कौन सी लाइन कहाँ पे है, आपको लास्ट में सब समझ आ जाएगा, एक साथ बताऊंगा मैं, तभी आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी आप खाली समझिए कि कौन सी लाइन कैसे है और कहाँ बनाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट दो प्रॉपर्टी रह गई है, तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री पे कुछ लाइन जा रही होगी। ओके, 60 डिग्री पे ऐसा नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा ये इंक्लाइन होगा इस तरह से। ओके, इस तरह से कुछ लाइन जा रही होगी, वो हमारा होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो लाइन जा रही है वो हमारी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो रहता है इन अ मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर रहता है, ठीक है, केजी ऑफ ड्राई एयर, और उसका जो वैल्यू है इसी के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि एक वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.75, यहाँ पे आप वो देख सकते हो 0.75, फिर 0.8, 0.85, ओके, इस तरह से ये जा रही है हमारे स्पेसिफिक वॉल्यूम। और लास्ट रहता है एक पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर का लाइन जो है आपको यहाँ पे इसका स्केल दिखेगा, तो पार्शियल प्रेशर का खाली स्केल यहाँ पे होता है, ठीक है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो अगर जो भी पॉइंट है सपोज आप उसको एक्सटेंड करते हो, तो वहाँ से आपको पार्शियल प्रेशर भी पता चल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, ओके, वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो चलो अब बात करेंगे, सारी प्रॉपर्टी एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो चलो सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहाँ मिलेगा आपको, इस वर्टिकल लाइन खींचोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल आप इस तरह से जाओगे, हॉरिजॉन्टल जाओगे तो आपको, चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, जितना हो सके उतना कलर चेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टल जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिलेगा, ठीक है, कैपिटल W, है ना। फिर आप अगर इस तरह से इस एंगल में जाओगे ऐसे, ओके, इस तरह से जाओगे तो वो आपको क्या मिलेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, वेट बल्ब। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को, ओके, थोड़ा इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर एक्सटेंड कर देते हैं और उसको यहाँ पे देखते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, है ना। चलो नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा कलर चेंज करूँगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। चलो अब और एक यहाँ पे इस तरह से कर्व्ड लाइन जाएगी, एक यहाँ से जाएगी कर्व्ड लाइन, समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है, दैट इज़ आवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हमारी होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और दूसरा कि इसको ही अगर आप एक्सटेंड करोगे, अगर इसको एक्सटेंड करोगे इस तरह से, इस दिशा में एक्सटेंड करोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंथैल्पी, ये एंथैल्पी का आपको स्केल दिखेगा, ओके, तो दिस इज, यहाँ पे आपको पता चलेगा एंथैल्पी, है ना। चलो अब जो बच रहा है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे, 60 डिग्री पे एक लाइन जा रही है, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, ये है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन। चलो सब सब पता चल रहा है ना धीरे धीरे कि क्या कौन सा लाइन क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, ये येलो वाला ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, और ये दिस इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, है ना, ये भी मैं लिख ही देता हूँ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और ये जो सेचुरेशन कर्व है ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है, दैट इज अवर सेचुरेशन कर्व, ओके, दिस इज सेचुरेशन, सेचुरेशन लाइन और कर्व। और यहाँ पे सेचुरेशन टेम्परेचर बोलो, ये वाला यहाँ पे सेचुरेशन, सेचुरेशन टेम्परेचर बोलो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलो, या तो वेट बल्ब का स्केल भी यहीं पे इसी के ऊपर रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, दिस पॉइंट इज वेट बल्ब, है ना, वेट बल्ब का होगा, है ना। ड्यू पॉइंट जाओगे तो आपको हॉरिजॉन्टली जाना पड़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, ठीक है, एंथैल्पी आपको ऊपर मिल जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया, ठीक है। आई थिंक सारे यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो कवर हो चुकी, सारी प्रॉपर्टीज कवर हो चुकी है, ठीक है, कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, आई होप कि कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना।
तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चीज़ अगर मैं बताना चाहूँगा कि बुक के अंदर यहाँ पे एक सर्कल भी बनाया है जिसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट सर्कल। ओके, अलाइनमेंट सर्कल जो आपको शायद हायर स्टडी में पढ़ने मिलेगा, अलाइनमेंट सर्कल या समथिंग जो भी इसके बारे में डिटेल है। ओके, तो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, अलाइनमेंट सर्कल बोला जाता है ना। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ आ गया है साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पहले तो मैंने इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वन बाय वन चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद मैंने आपको एक साथ भी ड्रॉ करके दिखाया है। तो जो भी आपके डाउट है मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।